जी दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक होगा एक समरी। हाँ जी, एक समरी। समरी किसकी होगी? समरी है मोहम्मद हनीफ का एक नॉवल है, अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। उस बारे में हमने इस नॉवल के अंदर, सॉरी इस वीडियो के अंदर, वो उस नॉवल की समरी को डिस्कस करना है। थोड़ी सी मोहम्मद हनीफ के बारे में बातें शाते कर लेते हैं। मोहम्मद हनीफ बेसिकली थे कौन? एक लिबरल राइटर थे, ठीक है, ओपन माइंडेड, ब्रॉड माइंडेड काइंड ऑफ, ठीक है। और क्या था साथ में कि ये ब्रिटिश पाकिस्तानी राइटर हैं, क्योंकि बेसिकली अमेरिका में ही होते हैं, पाकिस्तान इनका बहुत रेयर आना जाना है। वैसे पैदाइश इनकी उकाड़ा की है, लेकिन इनका ज़िंदगी का आधा हिस्सा अमेरिका में ही गुजरा है। और इसके अलावा इनके जो बुक्स हैं उनको 22 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है। वाओ, बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है ये। एक बंदा कब फेमस होता है? जब उसकी राइटिंग वेस्ट के टेस्ट के अकॉर्डिंग होती है, ठीक है। अब क्या करते हैं जी आगे, इनके जो वर्क्स हैं मेजर, वो वर्क्स कब हैं? केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज, ठीक है। इनका एक वर्क है ओवर लेडी ऑफ एलिस भट्टी। रिसेंटली इनका एक वर्क आया रेड बर्ड्स। इसके अलावा इनके बहुत से वर्क्स हैं जिस वजह से ये फेमस हुए हैं। ये इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एज अ जर्नलिस्ट काम किया है, वहाँ पर भी इन्होंने अपने जर्नल्स बहुत ज़्यादा पब्लिश करवाए हैं। ये बहुत ज़्यादा फेमस इसी बेस पे हुए हैं। आगे चलते हैं। इनका जो नॉवल अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज़ है वो एक कॉमिक नॉवल कंसीडर होता है। उसके अलावा जो ये नॉवल है ना, 1988 में एक प्लेन क्रैश हुआ था, मैंने कैश लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक कर लीजिएगा आप। प्लेन क्रैश हुआ था, उस प्लेन क्रैश के अंदर मोहम्मद ज़ियाउल हक साहब जो है उनकी डेथ हो गई थी। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के। अब हुआ क्या था, क्योंकि ये एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात हो गई, मैं थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताती चलूँ कि 1988 की बात है। मोहम्मद जो थे ज़ियाउल हक साहब, इनकी डेथ हुई थी। कब हुई थी? प्लेन क्रैश के थ्रू हुई थी। अब हुआ क्या था कि इससे पहले जब जनरल ज़िया का टाइम पीरियड आया, तब टू स्कूल ऑफ थॉट क्रिएट हो गए। एक जो उनके आने से बहुत खुश थे, क्योंकि रिलीजियस प्रैक्टिस जो थी वो आम हो गई थी, ठीक है, हर बंदा इबादत कर सकता था और हर बंदा इबादत कर रहा था। मस्जिद में वक्त पे अजान होती थी, ठीक है, कुरान की तबलीग आम थी। इवन के जो माइनॉरिटी राइट्स थे वो भी पूरे हो रहे थे। क्रिश्चियंस अपना खुलेआम घूम सकते थे, हिंदू खुलेआम घूम सकते थे, यानी कि हर किस्म की इबादत जो थी ना, हर किस्म के जो लोग थे उनके जो हकूक़ थे उनको वो मिलना शुरू हो गए थे। इन शॉर्ट, जस्टिस बेस्ड माशरा आ गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, टू स्कूल ऑफ थॉट भी क्रिएट हो गए, क्योंकि कुछ थे उसके अंदर ऐसे लोग जो ये चीज़ें पसंद नहीं कर रहे थे, ठीक है, और उन्होंने जनरल ज़िया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया था। और कुछ वो लोग थे जो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे कि सिस्टम जो है वो अच्छा हो गया है, सोसाइटी अच्छी हो गई है, तो वो जनरल ज़िया के साथ हो गए, ठीक है। ये टू स्कूल ऑफ थॉट थे। अब एक स्कूल ऑफ थॉट वो था जो जनरल ज़िया को अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, ठीक है, और उन्होंने क्या दिखाया, इसका नेगेटिव एस्पेक्ट्स को दिखाया और करेक्टर को नेगेटिव पोर्ट्रेट किया, ठीक है। दूसरा था जो उनको अप्रिशिएट कर रहा था और वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात करते थे और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते थे, ठीक है। ये टू स्कूल ऑफ थॉट्स थे। खैर, अब आगे चलते हैं। तो इस नॉवल में जो फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट मैंने बताया आपको कि वो इसके करैक्टर को लाइक नहीं कर रहा था, उन्होंने करैक्टर को वैसे ही पोर्ट्रे किया जैसा कि वहाँ पे फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट का व्यू था, ठीक है। अब इसके अंदर हम देखेंगे जो जनरल ज़ियाउल हक है उनके करैक्टर को नेगेटिव एस्पेक्ट से डिस्कस किया गया है, क्योंकि नॉवल की समरी का पार्ट है, इसलिए हम उसी तरह से चलेंगे। और इसके अंदर बताया गया कि जनरल ज़िया ने कुछ इनजस्टिस की थी, इस वजह से जो एक बंदा है अली नाम का वो उनके अगेंस्ट हो गया था और वो उनको मारने की प्लॉटिंग करता रहता था। अब आगे चलते हैं। आगे जी बात आती है इनका जो नॉवल है, नॉवल का नाम है अ केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। इसने प्राइज़ वॉन किए हैं कौन कौन से, 2008 के अंदर शक्ति भट्टी फर्स्ट बुक प्राइज़, ठीक है, 2009 के अंदर कॉमनवेल्थ बुक प्राइज़, और फिल्म अडेप्टेशन इज़ करंटली इन प्रोडक्शन, अभी भी इसके ऊपर काम हो रहा है इसकी फ़िल्म बनाने के लिए, ठीक है।
जैसे कि मैंने बताया कि आपको वेस्ट के टेस्ट के अकॉर्डिंग लिखना पड़े तो आप फेमस होते हो, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक सलमान रुश्दी साहब हैं, ठीक है, तो साहब कहना, क्योंकि हर एक की अपनी फेवरेटिज्म होती है ना, तो उन्होंने एक बुक लिखी है वर्सेस ऑफ सटन, शैतान की आयत, माजल्ला ऐसा होता नहीं है। खैर, उस बुक पे वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं और लिबरल्स को ये बातें, मतलब कि लिबरल्स राइटर को ये वाली बातें मतलब बहुत अपील करती हैं। खैर, हम आगे चलते हैं, बात आती है स्टोरी की। जो स्टोरी है नोवेल की वो फॉलो करी है अली शिगरी नाम का एक बंदा है, ठीक है। अली शिगरी कौन है? एक जूनियर है ऑफिसर, एक जूनियर ऑफिसर है पाकिस्तानी एयरफोर्स एकेडमी के अंदर। वो क्या करता है, वो थ्रू आउट द नोवल जियाउल हक से अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए कोशिश में लगा रहता है और वो जियाउल हक को मारना चाहता है, ठीक है। अब होता क्या है, इस नोवेल के अंदर कुछ करेक्टर्स आते हैं, वो है अली शिगरी। जैसा कि मैंने आपको बताया, अली शिगरी कौन था? अली शिगरी एक जूनियर ऑफिसर है और वो पाकिस्तानी एयरफोर्स एकेडमी में काम करता है और अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता है। दूसरा करेक्टर हमारे पास आया, वो है कुली शिगरी, ठीक है, कलोनल कुली शिगरी पूरा नाम है इसका। ये था बाप, किसका बाप था? अली शिगरी का। अब उसके बाद एक बंदा आता है हमारे पास, अमेरिकन लेफ्टिनेंट बैनन। ये एक लूटर किस्म की पर्सनैलिटी है, लूट के नाम से बड़ा फेमस था। उसके बाद अंकल स्टार्चे नाम का एक बंदा है जो कि लॉन्ड्री मैन है स्क्वाड्स का। एक बेबी ओ है, जो बेबी ओ है ये अली का बेस्ट फ्रेंड है। एक आर्नोल्ड रफल है, ये US एम्बेसडरी का टू पाकिस्तान का बंदा है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इस नोवेल की। इस नोवेल के अंदर जो इवेंट डिस्कस किया जा रहा है, वो बताया जा रहा है कि ऑन अगस्त 17, 1988 जनरल जिया बोर्ड C-130 प्लेन डब द पाक वन अलोंग विद सेवरल ऑफिस सीनियर आर्मी ऑफिशियल्स। मतलब क्या है इस चीज़ का, कि बताया गया कि जब नोवेल यहाँ पे बताया, एक्सप्लेन हो जा रहा है कि इस नोवेल के अंदर इवेंट कौन सा चल रहा है, मेन हैपनिंग कौन सी चल रही है, वो ये चल रही है कि 17 अगस्त 1998 की बात है, सॉरी 88 की बात है, जनरल ज़िया जो है ना वो C-130 प्लेन के अंदर बैठे हैं और उसके साथ उनके कुछ जो है सेवरल जो है सीनियर आर्मी ऑफिशल्स भी हैं और जो प्लेन है उसका नाम पाक वन है, ठीक है। अब इनके साथ जो है ना एक US एम्बेसडर भी है टू पाकिस्तान, उसका नाम है आर्नोल्ड रैफल। और वो क्या कह रहा है, उसने कुछ जो होती है ना क्रेट्स होती हैं मैंगोज़ की, वो प्लेन के अंदर रखी हैं और प्लेन जो है कुछ टाइम बाद जब चला है तो उसके अंदर खराबी पैदा हुई है और वो लड़कता उठता घूमता वहाँ पे क्रैश हो गया और क्रैश से जो जितने भी लोग इसके अंदर बैठे थे उनकी डेथ हो गई, जनरल ज़िया समेत, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब धमाका हो गया सब मर गए, बात करते हैं नोवेल की। नोवेल जब शुरू होता है उसका नरेटर जो है बेसिकली अली है, अली शिगरी। ये कौन है? अली शिगरी जो है ना ये एक नरेटर है और ये स्टोरी नरेट कर रहा है पूरे के पूरे नोवेल की। अब ये बता रहा है कि इसका फादर था कलोनल कुली शिगरी, ठीक है। उसको इसकी खबर मिली है कि उसकी डेथ हो गई है और कहा गया है कि उसने सुसाइड की है इसके फादर ने, लेकिन अली को पता लगता है कि इसके फादर ने सुसाइड नहीं की बल्कि रोज ISI का ऑफिसर जो था मेजर कियानी, उसके ऑर्डर के अंडर जो है ना, उसको ऑर्डर मिला था ज़िया का, उसने ज़िया के ऑर्डर के अंडर जो है इसके फादर को मारा है, ठीक है। अब क्या होता है, जो अली है वो कहता है समटाइम्स देर इज़ अ ब्लाइंड स्पॉट अंडर योर गेज़। बड़ी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और अपने टेक्स्ट में इसको कोट भी करिएगा, ठीक है। जब उसको पता लगता है कि यार अपना ही बंदा निकला जिसने मेरे बाप को मरवाया, तब उसने एक कोटेशन बोली थी। अब इसके बाद क्या हुआ, जो स्टोरी है वो कब शुरू होती है, बेसिकली जब प्लेन क्रैश होता है, प्लेन क्रैश होने से 1 मंथ पहले जो है वो स्टोरी शुरू होती है। और स्टोरी जो है ना क्या बता रही है, स्टोरी थ्रू एंड थ्रू इर्द गिर्द घूम रही है अली के रिवेंज के प्लान्स के ऊपर और अली की थर्ड पर्सन ऑब्जर्वेशन जो है जनरल ज़िया के बारे में, उसकी लाइफ के बारे में, उसके ऊपर घूम रही है। अली जो होता है वो क्या करता है, जनरल ज़िया जो है ना हर मॉर्निंग ये कहता था कि हु इज़ ट्राइंग टू किल मी। क्यों कहता था? क्योंकि अली जो है वो हर हर दफ़ा एक प्लान करता था कि उसने
मारना है जनरल ज़िया को। ठीक है, अली ने क्या किया इस चीज़ के लिए, अली ने पाकिस्तानी एयरफोर्स एकेडमी में दाखिला ले लिया था। उसके कुछ फेलो कैडेट्स थे, कुछ इंस्ट्रक्टर्स थे, वहाँ पे एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर था, ठीक है, जो बड़ा हार्श था और स्मोकिंग करता था, और उसका नाम था अमेरिकन लेफ्टिनेंट बैनन। जैसे मैंने बताया आपको कि उसको सारे लूट्स कहते थे, ये ना ओल्ड स्पाइस पहना करता था। इसके साथ ही साथ वहाँ पे एक करेक्टर आता है अंकल स्टार्चे का, जो कि आपको मैं बता चुकी, वहाँ पे एक लॉन्ड्री मैन था। बेबी ओ का आता है, बेबी ओ जो है वो अली का फ्रेंड था। फिर साथ में बताया गया यहाँ पे कि मल्टीपल करेक्टर हैं क्वाइटली इनसेन थे जो कि उस एकेडमी के अंदर हैं। अब क्या हुआ, जनरल जो ज़िया है वो डेली अपनी 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता, खुदा से इबादत करता, और उसके बाद जो है जनरल ज़िया इबादत में रोता भी था। ये बताते ही राइटर ने आयरोनिकल स्टेटमेंट यूज़ किया है कि जनरल ज़िया जो है एक तरफ तो बड़ा अच्छा मुसलमान है, ठीक है, ख़ुद को पोइट्री किया हुआ उसकी लाइफ को, दूसरी तरफ वो क्या करता था कि हर सुबह वो एक तो दूसरी तरफ वो उठता था तो पूछता था मुझे कौन मारने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और लेकिन उसने एक तरफ बताया कि बहुत अच्छा मुसलमान है, तो दूसरी तरफ उसने ये बताया कि अपनी बीवी को मारता था, ठीक है, और जितने भी वहाँ पे नॉन मुस्लिम लोग थे उनसे उसके राइट्स छीन लिए थे, उनको उनसे काम करने के राइट्स भी छीन लिए थे। ठीक है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 स्कूल ऑफ थॉट्स थे, एक का ये कह रहा था दूसरा वो कह रहा था, तो ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट के रेलेवेंट चल रही है। खैर बात आगे बढ़ाते हैं हम लोग, तो यहाँ पे ना कुछ ये तो बताया गया कि इसने अपनी बीवी को मारा और एक तरफ ये मुसलमान था बड़ा डिवोटेड। कुछ और भी यहाँ पे बातें बताई गई हैं वो जो कि ज़िया के जितने भी क्लोजेस्ट ऑफिशियल्स थे, क्लोजेस्ट कॉन्फिडेंट्स थे, उनके पर्सपेक्टिव्स को भी इस बुक में डिस्कस किया गया हुआ है। इसके अलावा जो इसके अंदर बात चलती है वो सब प्लॉट की चलती है कि इसके अंदर एक सब प्लॉट आता है जिसमें जनरल ज़िया ने ना ज़ैनब नाम की एक बंदी है जो कि एक ब्लाइंड वुमेन है, उसको सजाए मौत, ठीक है, फांसी की सज़ा सुनाई। क्यों सुनाई थी, क्योंकि कहता है कि ना ये जो बंदी है ना, इस बंदी ने मतलब काइंड ऑफ लोगों को खुद इजाज़त दी कि उसको सिडक्शन की जाए। अब होता क्या है, नोवेल के अंदर बताया गया कि होता ये है कि इस बंदी का रेप हुआ था, ठीक है, विक्टम ने गैंग किया था, विक्टम था ग्रुप्स का, ठीक है, सॉरी एक ग्रुप था, एक गैंग था, उसने इसको विक्टम बना के इसका रेप किया। और कहते जो है ना ज़िया के शरीयत के मुताबिक क्या होता है, शी हैज़ कमिटेड अडल्ट्री, ठीक है, और उसकी बेस पे इसने जो है ज़ैनब को सजाए मौत दी और ज़ैनब ने इसको बददुआ दी, द कर्स्ड इज पिक्ड अप बाय अ शुगर ऑब्सेस्ड क्रो, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर एक और सब प्लॉट आता है, उस सब प्लॉट के अंदर बताया गया है कि आर्नोल्ड रफल जो है उसने 4 जुलाई को एक पार्टी कंडक्ट की इस्लामाबाद के अंदर, और उसके अंदर उसने कुछ वर्ड बोले और वो वर्ड ये थे, अ यंग बियर्डेड सोदी नोन एज OBL अटेंड्स, ठीक है, OBL वर्क्स फॉर लेडन एंड कोक कंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे वो OBL का वर्ड बोल रहा है, बेसिकली वो ओसामा बिन लादेन को रेफ़र कर रहा है। कौन रेफ़र कर रहा है, और आर्नोल्ड रफल, और वो रेफ़र करते हुए उसका नेम बेसिकली मोक कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, साथ में अटैक कर रहा है मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर, ठीक है, अ यंग बियर्ड सोदी। बहरहाल आगे चलते हैं हम लोग। इस पॉइंट के अलावा जो इस नॉवल के अंदर बात डिस्कस की गई है वो अली के बारे में बात की है कि अली ने अपना सबसे पहला जो है ना रिवेंज प्लॉट बनाया, और उसने सोचा वो क्या करेगा, वो ना अपनी, उसके पास एक स्वॉर्ड है, ठीक है, उस स्वॉर्ड से जनरल ज़िया को स्टैब करेगा उसकी आँख के अंदर, ठीक है। अब क्या होता है कि जब वो ऐसा प्लान करने वाला ही होता है तो अली का एक दोस्त है बेबी ओ, जो मैंने बताया उसका रूममेट भी है, उसका बेस्ट फ्रेंड भी है, काइंड ऑफ लवर भी है, बहुत क्लोज रिलेशनशिप है इनका, काफ़ी अच्छी एसोसिएशन और बॉन्डिंग है। तो बेबी ओ कहता है कि ना अली ऐसा ना करो, तुम ना ऐसा करो कि ना हम जनरल ज़िया को एक नए तरीके से मारते हैं, हम जनरल ज़िया को ना प्लान क्रैश करके मारते हैं, ठीक है, को फिर लड़खड़ाता हुआ घूमता हुआ नीचे जा गिरेगा। तो अली मान जाता है। अब इस दौरान जो है ना जब वो प्लान करते हैं क्रैश इसको मारने का प्लेन क्रैश के अंदर, तो बेबी ओ और अली मिल के जाते हैं एक जगह पे, वहाँ से प्लेन स्टील करने के लिए ना, कि जहाज़ को वो स्टील कर ले, एरोप्लेन को।
अब लेकिन जब वो चोरी करने के लिए जाते हैं वहाँ पे एक्सीडेंटली जो है अली वो फंस जाता है, और अली जो है उसको लाहौर फोर्ट के अंदर प्रिजन के अंदर ले जाते हैं। अली जो है वहाँ पे प्रिजनर बन जाता है, उसको अली को बहुत टॉर्चर किया जाता है उस जगह पे। अब क्या होता है जब अली को वहाँ पे प्रिजनर के अंदर बंद कर दिया जाता है, तो उस जिस प्रिजनर के अंदर वो होता है ना, वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा जो है ना प्रिजनर्स दूसरे हैं उनके चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही होती चीखने की, कि उनको टॉर्चर किया जा रहा है और वो चीख रहे हैं। तो वहाँ पे ना जिस प्रिजनर के अंदर ये होता है, वहाँ पे एक हॉल होता है, उस हॉल के थ्रू ना ये एक आदमी से बात करता है। वो जो आदमी होता है ना वहाँ पे 9 साल से रह रहा होता है, और वो आदमी अली को बताता है ये जो प्रिजन ये लो जो लाहौर फोर्ट है ना, इसको तुम्हारे बाप यानी कि कुल्ली जो है ना उसने ही टॉर्चरिंग सेंटर बनाया था। जब अली को पता लगता है ना कि अच्छा ये मेरे बाप ने टॉर्चरिंग सेंटर बनाया, तो अली कहता है गुड वर्क डैड और नाइस वर्क डैड, ये भी कहता है ठीक है, बड़ा इंप्रेस होता है अपने बाप से। और इसी दौरान जो है मेजर कियानी अपेयर होता है अली को टॉर्चर करने के लिए, तो यहाँ पे ये पार्ट एंड होता है। फिर उसके बाद जो होता है ना इसके अंदर आगे जाकर काफ़ी टाइम बाद एक चेंज आ जाता है ISI के अंदर, ठीक है। अब ISI जो है ना इसके अंदर एक मतलब चेंज आ गया, तो उस टाइम पीरियड पे अली को फ्री कर दिया जाता है, ठीक है, और उसके टॉर्चर को ख़त्म कर दिया जाता है। जब अली रिलीज हो जाता है तो उसको वापस आके पता लगता है कि वो जो है ना स्क्वाड के अंदर एज अ पार्ट चूज कर दिया गया है, ठीक है। और क्या हो गया हुआ है, इसने एज अ साइलेंट ड्रिल काम करना है, कहता है सल्यूट टू फोर जनरल ज़िया, ठीक है, उसने जनरल ज़िया के लिए साइलेंट ड्रिल के तौर पे काम करना है। तो अली जो होता है उसको फाइनली ना एक मौका मिल जाता है कि उसने अब जनरल ज़िया को मार देना है। वो डिसाइड करता है कि वो ना क्या करेगा, अपना जो है ना इससे रिवेंज लेगा, और वो एक प्लॉट बनाता है, और प्लॉट बनाता है कि वो स्नेक वेनम जो है ना वो क्या करेगा, स्नेक वेनम को यूज़ करके जनरल्स के जनरल जो ज़िया है उसके हाथ में लगा देगा टीका, ठीक है। किसके थ्रू लगाएगा टीका, टीका अपनी तलवार के थ्रू लगाएगा। इन शॉर्ट वो जो सांप का जहर होता है ना वो लेकर अपनी तलवार के थ्रू जनरल ज़िया के हाथ पे लगा देगा, जिससे वो मर जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि जनरल ज़िया जो है अपने कुछ सीनियर्स के साथ उसमें बैठता है पाकवन के अंदर, और वो उड़ जाते हैं यानी कि जहाज़ उड़ जाता है और जहाज़ क्रैश हो जाता है। अब सवाल पैदा ये होता है कि जो नोवेल है यहाँ पे एंड हो गया। अब पूछा जाता है यहाँ पे, समझ नहीं आई कि नोवेल की एंडिंग पे क्या हुई है, कि द नोवेल रैप्स अप विदाउट कन्फर्मिंग वेदर और नॉट अली वॉज सक्सेसफुल इन हिज अटैम्प्ट टू असैसिनेट द जनरल, कि क्या वो मारने में कामयाब हुआ कि नहीं हुआ, नोवेल में नहीं बताया गया। फिर पूछा गया रेदर द बुक आस्क वॉज इट द कर्स कैरिंग क्रो दैट क्रैश इन टू द प्लेन्स इंजन वाइल परजूइंग द मैंगोज ऑन द बोर्ड, कि क्या ये वही क्रो था जो मतलब कि बदवा दी गई थी, क्या ये उसका इशू था, उसका असर हुआ था जो बदवा दी थी जैनब ने। फिर एक सवाल आ जाता है कि वॉज इट एन एक्सप्लोजिव प्लांटेड इन द मैंगोज बाय द ऑल पाकिस्तान स्वीपर्स एसोसिएशन इन रिवेंज फॉर द डेथ ऑफ देयर जनरल सेक्रेटरी एट द हैंड्स ऑफ मेजर कियानी, क्या जितने स्वीपर्स थे वहाँ पे वर्कर तबका था उन्होंने बदला लेने के लिए, जो मेजर कियानी ने इनके बाप को मारा था उस बदला लेने के लिए उन्होंने उस मैंगोज के अंदर एक्सप्लोजिव डाले हुए थे, धमाका डाला हुआ था। और परहैप्स वॉज इट एनी ऑफ हिज कॉन्फिडेंट्स ईच विद देयर ओन सीक्रेट्स एंड मोटिवेशंस, इट मे इवन हैव बीन द CIA इज़ डूइंग, कि हो सकता है CIA ने किया हो, और हो सकता है उसी का कोई बंदा हो जिसने इसको मरवाया हो, क्रैश करवाया हो। तो ना लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जो है ना नॉवल की एंडिंग पे अराइज होते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो होता है ना सवाल ये भी पैदा होता है कि किसने मारा, क्यों मारा, प्लेन किस तरह क्रैश हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है। लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ऑथर्स के सेट्रिकल कमेंट जो है ना अबाउट द पॉलिटिकल स्टेट इन पाकिस्तान, वो चीज़ मैटर करती है इसके अंदर। अब यहाँ पे जो है हमारा नॉवल इसकी एंडिंग भी हो जाती है, और आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि समरी समझ लग गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।